दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिभा भी ये चौकीदार ने बनाई है। इधर हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी विधायक मनीष ग्रोवर पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का आरोप है कि मनीष बूथ पर जाकर वोटरों को धमका रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा डीसी ऑफिस में शिकायत करने भी पहुंचे। इसी बीच मनीष ग्रोवर के साथ पोलिंग बूथ में दिखाई दिए बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाश से पुलिस ने लाठी डंडे और कारतूस भी बरामद किए। केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के मुरैना से बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने एनडीए को एक बार फिर पूर्ण बहुमत मिलने की बात कही। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ मौजूद हैं, अपना वोट कास्ट करके वापस लौटे हैं। सर, आप अपना वोट कास्ट कर दिया है आपने, सुबह से लोग भी अपना वोट डाल रहे हैं, क्या उम्मीद आप इस चुनाव से लगा रहे हैं? लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में देशव्यापी मुद्दे रहते हैं और निश्चित रूप से इस चुनाव में भी बहुत अच्छा कैंपेन हुआ है। सारे विषय स्थानीय भी उठे हैं, विकास के भी उठे हैं और राष्ट्रवाद के भी उठे हैं और मुझे लगता है कि सारा देश मोदी जी के पीछे खड़ा हुआ है और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल होगा। सर, कुछ ही महीने पहले विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी को शिकस्त मिली है, क्या उसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा आपको ऐसा लगता है? देखिए, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को तुलना नहीं करना चाहिए। विधानसभा चुनाव में विषय अलग होते हैं, नेतृत्व अलग होता है, लोकसभा चुनाव में परिस्थितियां अलग होती है और लोकसभा चुनाव में जो विषय हैं उनका विधानसभा से कोई लेना देना नहीं, इसलिए परिणाम की भी तुलना नहीं की जा सकती। सर, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आप लोग राष्ट्रवाद के मुद्दे की आड़ में छिप रहे हैं क्योंकि मुद्दे नहीं है मोदी जी के पास। आरोप लगाने का इसमें क्या कारण है? कांग्रेस अगर राष्ट्रवाद के पीछे नहीं खड़ी है तो उनसे ज़्यादा बेईमान और कौन हो सकता है? अगर कांग्रेस के भीतर राष्ट्रवाद का बीज होता तो आज कश्मीर जैसी समस्याएं देश को अभिशाप बन के खड़ी थोड़ी होती। राष्ट्रवाद हमारी प्राथमिकता है और हमारी पंचनिष्ठाओं में सबसे पहली प्राथमिकता।